एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डे ऑफिशियल। मैं हूं टियागोरी। तो गाइस, आज जिस टीम का टीम डी से वर्सेस होने वाला है, उस टीम का नाम होने वाला गाइस लूफी ओपी स्पोर्ट। काफी बेहतरीन गाइस ये टीम होने वाली है, जिनके लाइनअप की बात करें आशु आर्चे, फेम गोड एंड लकी आर्च। दूसरी तरफ गाइस टीम डी के लाइनअप की बात करें रैंचो लवर, यस एंड एक प्ले अभी तक नहीं आया है, तो भाई जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। जी सक्षम होने वाले है 44 का गाइस मुकाबला, पहला राउंड आज का हैंगर में एंड द मैच स्टार्ट एंड देखना होगा। एक अच्छी शुरुआत है, गुड बिगनिंग मेक्स ए गुड एंडिंग, एक अच्छी शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ पे गुड एंडिंग साबित हो सकती है। अच्छी शुरुआत यहाँ पर आधी जीत के बराबर साबित होगी, लेकिन वो कौन सी टीम होने वाली है? क्या वो लूफी स्पोर्ट होने वाली है या फिर वो टीम डी होने वाली है? जरूर देखना होगा। लवर ऊपर की तरफ होने वाले, रैंचो सक्षम का जी अभी तक अच्छे से नेट कनेक्ट नहीं हो पाए, एंड देखना होगा 44 का मुकाबला। एंड भाई शो बिगिन हो चुका है गाइस यहाँ पे मुकाबले में, देखना होगा रैंचो क्या कमाल करने वाले। लुक एट द पोजीशन पे टीम के प्लेयर्स एंड लूफी स्पोर्ट के प्लेयर गाइस पूरी तरीके से होल्ड करके खेलते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं। इनको पता है कि मुकाबला बहुत उम्दा होने वाला है, एंड एक स्टार्टिंग में जो लीड लेके जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी ये एक बड़ी गलती, रैंचो को जरूर अभी डाउन ले लिया गया, शायद अभी कंफर्म कर दिया जाएगा। लवर भी डाउन हो चुके हैं, एंड पहले राउंड में लूफी स्पोर्ट के प्लेयर धावा बोलते मेरे को नजर आ रहे हैं। जी 2v4 का मुकाबला, मैच में जी 2v3 का मुकाबला, एक प्लेयर को जरूर डाउन लेके गया। जी एक और प्लेयर अभी यस डाउन हो जाएंगे, अकेले मेरे को सक्षम बचते हुए नजर आए। सक्षम को भी खत्म करके यहाँ पे पहला राउंड अपने खाते में लेके जाएंगे, एंड 1-0 की लीड गाइस जाती हुई लूफी स्पोर्ट के खाते में। काफी उम्दा गाइस ये टीम होने वाली है, कहीं ना कहीं यहाँ पे फेम गोड की बात करें तो खाता नहीं खुला, लेकिन अर्श यहाँ पे भाई पूरा ताबूतार यहाँ पे साबित करते हुए नजर आ रहे, पैर गड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ गाइस 1-0 जाते हुए लूफी स्पोर्ट के खाते में दूसरा राउंड गाइस। दूसरे राउंड में गाइस कलोक्टो में पहुंच चुके हैं, लवर पूरी तेज से मेरे को आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। यश को आज मौका मिला कुछ कर दिखाने का, देखना होगा आज यश क्या टीम डी प्लेस के साथ मिलकर क्या कमाल करने वाले, जरूर देखना होगा। 44 का मुकाबला, रैंचो लवर यस एंड सक्षम काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाले हैं। यस यहाँ पे डबल बेल के साथ पूरी तरीके से तैनात है, लव अच्छी ऊपर जाने के लिए यहाँ पे जरूर भाई मिन्नते कर रहे होंगे कि रैंचो भाई जल्दी से आ जाओ और मेरे को भाई हाइट पे यहाँ पे चढ़ा दो, ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर दे पाऊं। जी हाइट पे जाने की पूरी यहां पे कोशिश करते हैं, मतलब अच्छी हाइट पे चले जाएंगे, एंड पूरी तरीके से मेरे को लग रहा है कि ये हाइट बहुत कुछ डिसाइड करने वाली है। पोजीशन बहुत उम्दा, लेफ्ट साइड में एक प्लेयर आ चुका है, जी नहीं यहां पे मिस आउट होंगे, एक बड़ी गलती यहां पे जरूर मिल चुका है। एंड रैंचो जी रैंचो के सामने प्लेयर लेकिन रैंचो डाउन हो जाएंगे। 3v4 का मुकाबला है, यस भी इसी बीच यहां पे डाउन हो जाएंगे। सक्षम मेरे को बसते हुए जरूर नजर आ रहे, सक्षम के सामने एक प्लेयर, सक्षम जरूर यहां पे डाउन लेके जाएंगे, कंफर्म भी कर दिया जाएगा, लेकिन सक्षम के ऊपर शायद यहां पे जी किसी ना किसी करेक्टर को यहाँ पे जरूर चला गया है, और शायद ये वो करेक्टर होने वाला है जो कि यहाँ पे एबिलिटी जो भी होती है करेक्टर की उसको ब्लॉक कर देता है, और शायद वही होने वाला है। जी यहाँ पे डाउन इजीली यहाँ पे लेके जाएंगे, एंड 1v3 का मुकाबला, एक प्लेयर और यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे लवर, लेकिन ज्यादा मौके मेरे ख्याल से नहीं होने वाले क्योंकि सामने की तरफ गाइस मैन टू मैन एडवांटेज होने वाले हैं। जी यहाँ पे फेम कोड आएंगे पीछे से थोड़ा सा फ्लैंक करके, एंड स्नाइपर का एक प्यारा सा शॉट लगा के इस मैच में एक पॉइंट की ओर लीड अपनी टीम को दिलाते हुए जरूर नजर आएंगे। फेम कोड गाइस अपना खाता खोलेंगे, सक्षम ने टीम की तरफ से खाता जरूर खोला, लेकिन स्कोर लाइन पे तक खाता खोलने में थोड़े से नाकाम है टीम डी के प्लेयर्स। काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी जरूर होने वाले हैं, रैंचो लवर यस एंड सक्षम, लेकिन कहीं ना कहीं लूफी स्पोर्ट गाइस यहां पे 2-0 की लीड बना चुकी है। तीसरा राउंड आ चुका है गाइस, और तीसरा राउंड में गाइस हम पहुंच गए फैक्ट्री मैन। जी लुक एट द हेडशॉट, सामने इधर प्लेयर होने वाले, सक्षम क्या कमाल करने वाले, एक बड़ा दावदार सक्षम पे जरूर होने वाले हैं। लव जी इनकी पोजीशन बहुत मायने रखती है, एंड आशु क्या कमाल करने वाले, आर्च यहाँ पे पहले राउंड में डबल के जरूर निकाल के लेके गए थे। MC10 एंड डबल बैल दो बेहतरीन गने एक साथ यहाँ पे यूज जरूर की जा रही, कॉम्बिनेशन काफी उम्दा। लवर काफी तेज से मेरे को बचते हुए नजर आ, शायद एक ही वॉल होने वाले और शायद यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। जी एक बड़ी गलती जरूर यहाँ पे थी, कवर नहीं होने वाला था लवर के पास, यहाँ पे पीछे आने की जरूरत नहीं थी। सक्षम पीछे की तरफ जरूर हटेंगे, मैन टू मैन एडवांटेज पूरी तरीके से जाती हुई गाइस यहाँ पे लूफी स्पोर्ट के खाते में। जी एक प्लेयर को यहाँ पे रैंचो डाउन लेके जाएंगे, एंड शायद यहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाएंगे, रिवाइवल अगर संभव हो जाता है तो मुश्किल बहुत होने वाली है यहाँ पे टीम रिप्लेस के खाते में। जी यहाँ पे रिवाइवल संभव हो जाएगा, एंड रैंचो को भी गाइस अच्छा खासा डैमेज जरूर मिल चुका है। सक्षम के सामने यहाँ पे प्लेयर होने वाले, लेकिन यहाँ पे हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ से कवर नहीं आने वाला। जी ये बढ़िया शॉट, एंड डाउन यहाँ पे लेके जाएंगे, कंफर्म डेफिनेटली
पे कर दिया जाएगा 3v3 का गाइस मुकाबला। एंड यहाँ पे टीम दी गाइस यहाँ पे बनना स्टार्ट कर चुके हैं सामने तरफ प्लेयर, लेकिन जी रैंचो गलती करेंगे डाउन हो जाएंगे। एंड इसी के साथ गाइस इस मुकाबले में मेंटो वैन एडवांटेज दोबारा से जाती हुई लूफी स्पोर्ट के खाते में। जी थोड़ा सा बच के रहना होगा, एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं सक्षम, अकेले मेरे को बचते हुए नजर आ रहे, दो किल कर चुके हैं। एंड टीम डी की तरफ से गाइस सक्षम ही अकेले ऐसे प्लेयर जो कि दो किल अभी तक अपने खाते में जोड़ पाए, लेकिन इसी के साथ इस किल के साथ ही डाउन ले लिए जाएंगे टीम डी के प्लेयर्स। एंड भाई यहाँ पे हैट्रिक लूफी स्पोर्ट की टीम यहाँ पे लगा चुके गाइस, काफी उम्दा खिलाड़ी होने वाले हैं। 3-0 की लीड एक बहुत बड़ी लीड हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस अभी देखने आगे टीम डी के प्लेयर्स क्या कमबैक करने वाले अगले राउंड में। चौथे राउंड गाइस और चौथे राउंड में गाइस मेल पर पहुंच चुका है रैंचो लवर, यस सक्षम पूरी तेज से मेरे को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। लवर को बच के रहना होगा, सामने ही तरफ यहाँ पे प्लेयर शुरू होने वाले हैं, थोड़ा सा बच के जी मैं पूरा थोड़ा सा बच के यहाँ पे रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे LE के प्लेयर मेरे को खेलते हुए नजर आ रहे हैं वो काबिले तारीफ। जी सामने ही तरफ से यहाँ पे फैम को उड़ा जाएंगे, लेकिन रैंचो एक बड़ी मछली का शिकार करेंगे। जी यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे फैम को आते हुए नजर आ रहे, लवर मिस आउट होते हुए नजर आएंगे, वोट भी करके इस्तेमाल मेरे को करते हुए नजर आ रहे, लेकिन अभी मैन टू मैन एडवांटेज गाइस टीम डी प्लेयर्स के पास होने वाली। अगर इस राउंड में वापसी नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़ी लीड यहां पे चली जाएगी लूफी स्पोर्ट के खाते में। जी फैम गोट भी यहां पे डाउन हो जाएंगे। एंड देखते-देखते 2v4 का मुकाबला और यहां पे धावा पहुंच चुका है टीम डी के प्लेयर, काफी अच्छे खासा डैमेज यहां पे जरूर आंसू की तरफ से मिल चुका है। एंड ये एक नया कैरेक्टर आया भाई, शायद उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड लूफी जरूर यहां पे डाउन, लेकिन जी ये बढ़िया वेल नंबर का शॉट, दैट वाज ओपी शॉट बाय द सक्षम, अब की बार मौका नहीं देंगे। 3 किल जाते हुए सक्षम के खाते में। एंड भाई मुकाबला काफी उम्दा, काफी थोड़ा सा मेरे को लगा कि देरी से आए टीम डी के प्ले, लेकिन दुरुस्त आ चुके, मैच में अभी भी बने हुए हैं। एक पॉइंट से गाइस अपना खाता खोलेंगे, स्कोर लाइन पे थोड़ा सा मार्जिन कम करते हुए नजर आएंगे टीम डी के प्लेयर्स। पांचवें राउंड आ चुके गाइस और पांचवें राउंड में गाइस मास्टरलेट में पहुंच चुके हैं। जी लवर पूरी तरीके से तैनात हैं, सामने की तरफ यहां पे होने वाले लूफी स्पोर्ट के प्लेयर आसू अर्च फेम गुड एंड लकी, देखना होगा क्या कमाल करने वाले। जी राइट साइड में एक प्लेयर जरूर आ चुका है, बच के रहना होगा क्योंकि यहां पे पोजीशन जो होने वाले राइट साइड वाले प्लेयर्स की वो बहुत उम्दा होने वाली है, तो थोड़ा सा बच के रहना होगा। जिस तरीके के फ्लेम यहां पे अगर लगाए, फ्लेम गोड ही शायद यहां पे होने वाले, स्नाइपर का इस्तेमाल वही मेरे को करते हुए नजर आए थे। देखना होगा 4v4 का मुकाबला, लवर की पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है, सक्षम को डैमेज है, टीम जी के गाइस सभी प्लेयर्स को डैमेज मिल चुका है सिर्फ यहां पे लवर को छोड़ के, लेकिन देखना होगा यहां पे जो लूफी स्पोर्ट के गाइस यहां पे प्लेयर है वो किस तरीके का हमला बोलने वाले हैं। रैंचो जरूर यहां पे डाउन, उसका रिवाइवल डेफिनेटली यहां पे संभव हो जाएगा। एंड जी यहां पे रिवाइवल डेफिनेटली संभव होता मेरे को जरूर नजर आ रहा है। जी 4v4 का मुकाबला दोबारा से, लेकिन जी ये बढ़िया शॉट, ये बढ़िया शॉट, ये शॉट शायद ये राउंड टीम डी के खेमे में लेके जा सकता है। दो प्लेयर जरूर यहां पे डाउन, उसके एक को रिवाइवल संभव हो जाएगा, एक को शायद यहां पे कंफर्म कर दिया जाएगा। देखना होगा सक्षम का भी देखते हुकुम का इस्तेमाल करते हुए मेरे को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। यहां पे लवर क्या कमाल करने वाले, लवर पीछे की तरफ होने वाले। एंड सक्षम जी एक बड़ी गलती, प्लेस का पता नहीं, प्ले का पता नहीं, पीछे की तरफ प्लेयर होने वाले। एंड जी लकी की तरफ से इनको डाउन ले जाएगा, एक और प्लेयर जरूर डाउन होगा क्योंकि यहां पे जिस तरीके से पीछे की तरफ होने वाले थे एक बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन देखना होगा 2v3 का मुकाबला, 2v3 का मुकाबला यहां पे, 2v2 का मुकाबला, 2v2 का मुकाबला। रैंचो अंदर की तरफ रश करते हुए नजर आएंगे, एक प्लेयर को जरूर डाउन ले लेगा लवर की तरफ से, काफी अच्छा आएगा ये कवर, बहुत ही अच्छा होने वाला था। जिस तरीके से यहाँ पे 1v1 का गाइस मुकाबला हो गया था, अगर लवर थोड़ा सा पीछे की तरफ होते, कवर में नहीं होते रैंचो, तो एक बड़ी मुसीबतें जरूर आ सकती थी टीम डी के लिए, क्योंकि एक पॉइंट के और लीड बना सकते थे लूफी स्पोर्ट के प्लेयर, लेकिन चूंकि पूरी तरीके से फायदा टीम डी प्लेयर्स ने उठाया, इसी के साथ मार्जिन दोबारा से थोड़ा सा कम करते हुए नजर आएंगे टीम डी के प्लेयर्स। छठे राउंड आशिके गाइस और छठे राउंड में गाइस केप टाउन में पहुंच चुके हैं, एक बड़ा उलटफेर मेरे को जरूर देखने को मिला। स्टार्टिंग के 3 राउंड जरूर निकाल के लेके गए थे लूफी स्पोर्ट के प्लेयर, जिस तरीके से मुकाबला दिखाया था 3-0 की लीड होने वाली थी, टीम डी के प्लेयर्स ने पलटवार किया, पासे पलटे मैच में वापसी की। एंड स्कोर लाइन पे थोड़ा सा सिनेरियो यहां पे चेंज होता मेरे को जरूर नजर आ रहा है। जिस तरीके से गाइस यहां पे मुकाबला चल रहा है, लवर पोजीशन अपनी पे जाने वाले, एंड जी ये पोजीशन बहुत कुछ यहां पे बयां करने वाली है। अगर ये पोजीशन अच्छी रही तो कहीं ना कहीं कमाल सकते हैं। जी सामने की तरफ एक प्लेयर होने वाला है, पहले डैमेज मिल चुका है, लेकिन देखना होगा क्या लूफी स्पोर्ट के प्लेयर अभी रश करके खेलने वाले हैं या फिर यहां पे संभल के खेलने वाले हैं, थोड़ा सा होल्ड करके खेलने वाले हैं। लेकिन जी यहां पे एक प्लेयर को जरा डाउन ले लिया जाएगा। एंड जैसा मैं बोल रहा हूं कि यहां पे डिपेंड करने वाला है कि मैच किस तरफ जाने वाला है, यहां पे लूफी स्पोर्ट अगर यहां पे रश करके खेलते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा होल्ड करके खेलना चाहिए एंड समझना चाहिए कि कहां पे प्लेस है। जी सामने तरफ एक प्लेयर, एक शॉट यहां पे, एक शॉट कनेक्ट एंड दूसरा शॉट यहां पे कनेक्ट करने में मिस आउट होंगे। एंड शायद यहां पे संकेत मिल चुका है अंदर की तरफ, यस आएंगे डाउन, इसलिए यहां पे लेके जाएंगे। देखते-देखते गाइस यहां पे दो प्लेयर डाउन, उसके अकेले प्लेयर 1v4 का मुकाबला। एंड इस मैच में एक बड़ा पलटवार मेरे को देखने को मिला। एंड जी फेम गुड शायद यहां पे
टीम डी प्लेयर्स के हाथों से मरना नहीं चाहते एंड जी यहाँ पे खुद जाके एलिमिनेट हो जाएंगे एंड सक्षम गाइस चेक के लिए यहाँ पे कर चुके एंड टीम डी के सभी प्लेयर्स मेरे को चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ गाइस इस मैच के पासे पलट दिए गए हैं, तख्ता पलट यहाँ पे कर दिया गया है एंड इसी के साथ इस मैच में वापसी करते हुए टीम डी के प्लेयर्स एंड पहली बार दोनों ही टीमें गाइस स्कोर लाइन पे बराबरी पर आ चुकी है। सातवें राउंड आ चुके गाइस और सातवें राउंड में गाइस रिवर डैम पे पहुंच चुके हैं एंड लवर जी डबल स्नाइपर के साथ तैनात हैं। जी मैच तो अभी स्टार्ट हुआ है, मैच में मजा तो अभी आने वाला है क्योंकि दोनों टीमें गाइस बराबरी पर होने वाले हैं एंड यहां से डिसाइड होने वाला है कि ये मैच गाइस किसके कोर्ट में जाने वाला है क्योंकि जिस तरीके से अभी टीम डी प्लेयर्स ने बैक टू बैक यहाँ पे राउंड निकाले वो काबिले तारीफ। लूफी स्पोर्ट के प्लेयर्स ने गाइस अभी बैक टू बैक तीन राउंड निकाले थे वो काबिले तारीफ लेकिन संभाल नहीं पाए, मुश्किलों में पड़े होने वाले लवर को अच्छे जरूर मिल चुका। लेकिन देखना होगा गाइस अबे पूरी तरीके से रैंचो आगे की तरफ यहां पे जा चुका है, रैंचो क्या कमाल करने वाले हैं, रैंचो की पोजीशन बहुत कुछ यहां पे बयां करने वाले हैं। अगर रैंचो दो तीन शॉट यहां पे बढ़िया टिका देते हैं एंड सक्षम जी सक्षम यहां पे ऊपर से मेरे को जाते हुए नजर आ रहे हैं, सक्षम की पोजीशन बहुत उम्दा है जी यहां पे हुकुम का इस्तेमाल करेंगे एंड रैंचो जी एक प्लेयर को डाउन लेके जाएंगे, लकी जरूर अब डाउन हो चुके एंड जैसे मैं बोला था कि सक्षम की पोजीशन बहुत कुछ है यहां पे जी सामने तरफ एक प्लेयर अच्छा खासा डैमेज यहां पे जरूर दे देंगे यूएमपी इस्तेमाल करते हो। लेकिन व्हाट नंबर शॉट है ओएमजी यहां पे जी 2v3 का मुकाबला 1v2 का मुकाबला 1v2 का मुकाबला सामने प्ले एंड रैंचो AWM का शॉट लगाएंगे एंड इसी के साथ गाइस इस मुकाबले में पहली बार इस मैच में पूरी तरीके से तख्ता पलट करके अपने कोर्ट में लाते हुए यहां पे टीम डी प्लेयर्स इस मैच को पहली बार एक पॉइंट की लीड बना चुके, सक्षम नो किल कर चुके, काफी उम्दा खिलाड़ी एंड भाई लूफी स्पोर्ट के प्लेयर थोड़ा सा प्रेशर जरूर अभी हैंडल कर रहे होंगे। आठवें राउंड आ चुके गाइस और आठवें राउंड में गाइस ऑब्जर्वेटरी में पहुंच चुके हैं गाइस टीम डी के प्लेयर, मेरे को लगता है कि 3-0 की जो लीड यहां पे लूफी स्पोर्ट के पास थी और जिस तरीके से यहां पे कमबैक किया टीम डी के प्लेयर्स ने वो मेरे को लगता है कि देयर इज ऑलवेज अ काम बिफोर ए स्टॉर्म, तो पहले भाई तूफान से पहले की वो शांति थी और अभी यहां पे तूफान उठा चुके हैं। फेम गोड जरूर यहां पे डाउन चुके हैं, सक्षम भाई क्या ये बंदा कर रहा है, लगता है यहां पे कमाल करने वाले इस राउंड में गाइस यहां पे सक्षम पे फोकस करने वाले हैं, सक्षम यहां पे क्या कमाल करने वाले जी एक प्लेयर को जरूर डाउन लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ एक प्लेयर जरूर होने वाला है ऊपर की तरफ एक अकेले बसते हुए नजर आ रहे हैं टीम डी के प्लेयर लगातार यहां पे बैक टू बैक गाइस हमें चार राउंड निकाल चुके एंड ये राउंड भी डेफिनेटली जाने वाला है, कोई चमत्कारी लूफी स्पोर्ट को बचा सकता है, आर्च 1v4 का अगर कलश निकालेंगे तभी मुकाबले में कमाल कर सकते हैं। लेकिन देखना होगा गाइस वेल मुकाबला तो डेफिनेटली काफी उम्दा चलता हुआ नजर आ रहा है एंड एक्चुअली गाइस अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लूफी स्पोर्ट के प्लेयर्स को यहाँ पे एक साथ मिलकर खेलना चाहिए तभी मुकाबले में गाइस यहाँ पे कमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस एनीवे देखते हैं यहाँ पे क्या कमाल होने वाला है, आर्च यहाँ पे क्या कमाल करने वाले हैं जी, पूरी तरीके से पूरे राउंड में भाई तफ्तीश की जा रही है कि कहां पे आर्च होने वाले हैं एंड उसके बाद इन पे हमला बोला जाएगा। 1v4 का मुकाबला, मौके बहुत कम एंड दो पॉइंट की लीड बनाने से गाइस अबे टीम डी को अभी कोई नहीं रोक सकता एंड एक गोली अगर अर्च चलाएंगे तो इन पे भाई गोलियों की बरसात होगी, बिजलियां इन पे बरसने वाली है तो यहां पे बच के रहना। लेकिन यहां पे पुरजोर कोशिश यहां पे लूफी स्पोर्ट के प्लेयर यहां पे जरूर मेरे को करते हुए नजर आ रहे एंड जी संकेत मिल चुका है कि कहां पे होने वाले हैं जी, इसलिए यहां पे शायद इनको डाउन भी ले लिया जाएगा। यश जी सामने तरफ प्लेयर होने वाले लेकिन ये किल जी एक अनारसो बीमार यहां पे भाई एक किल के पीछे सभी प्लेयर मेरे को भागते हुए जरूर नजर आए लेकिन भाई ये किल यहां पे उठा लिया जाएगा एंड इसी के साथ गाइस इस मुकाबले में पूरी तरीके से धावा बोल के पैर जमा के कब्जा करके इस मुकाबले को पूरी तरीके से अपने खेमे में लाते हुए टीम डी के प्लेयर दो पॉइंट की लीड बना चुके एंड लूफी स्पोर्ट के पास ज्यादा मौके नहीं होने वाले। नोवा राउंड आ चुके गाइस और नोवा राउंड में गाइस हम पहुंच चुके हैं कटोसिया में एंड कटोसिया में गाइस यहां पे देखना होगा कहीं ना कहीं गाइस अगर लूफी स्पोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं कपल ऑफ राउंड इनके पास जरूर थे लेकिन बहुत बड़ी गलती इनसे हुई, एक साथ मिलकर नहीं खेले, अपनी स्ट्रेटजी अपनी रणनीतियों के साथ नहीं खेले तो मुसीबतें बहुत बड़ी इनके ऊपर होने वाले क्योंकि जिस तरीके से आशु आर्च फेम गोड एंड लकी जिस तरीके से भाई इनको पीछे धकेला गया 5 राउंड लगातार यहां पे टीम डी प्लेयर्स ने निकाले तो मेरे को लगता है कि अगर एक साथ
साथ मिलकर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर यहाँ पे जा सकते हैं लोफी स्पोर्ट के खाते में। लेकिन 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 जी सामने तरफ प्लेयर, सामने तरफ प्लेयर एंड जी एक बड़ी गलती एंड एक बड़ी मछली का शिकार, बड़ी कामयाबी जाती हुई गाइस यहाँ पे टीम रिप्लेस के खाते में। फेम गोल्ड को जरूर यहाँ पे डाउन ले लेगा एंड यहाँ पे कमर तोड़ दी गई है, कमर यहाँ पे तोड़ दी गई है जी। सक्षम यहाँ पे, सक्षम आज अलग ही मेरे को खेलते हुए नजर आ रहे, हाईएस्ट किल कर चुके हैं गाइस इस मैच में दोनों टीमों की तरफ से, 11 किल भाई ये प्ले कर चुका, बहुत है उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाला। रेंचो जरूर आगे की तरफ जाएंगे एंड रेंचो जी डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल करते हुए बच के रहना होगा। सामने वाले प्लेयर्स ने गाइस यहां पे कच्ची गोलियां नहीं खेली है तो यहां पे जरूर से कुछ कमाल ही प्ले कर सकते हैं जी। अच्छा खासा डैमेज होने वाला एंड जी यहां पे डाउन ले लीजिएगा लवर की तरफ से, जरूर आप डाउन ले लीजिएगा। 2v3 का मुकाबला, 2v3 का मुकाबला आसू लकी गाइस बचते हुए। रेंचो का रिवाइवल पता नहीं संभव होगा जी, रिवाइवल यहां पे संभव हो जाएगा एंड रिवाइवल अगर संभव हो जाता है जी, नहीं रिवाइवल यहां पे संभव नहीं हुआ एंड एक प्लेयर यहां पे डाउन हो जाएगा। आसू अकेले मेरे को बचते हुए नजर आ रहे, दोबारा से वही गाइस यहां पे एक ना सो बीमार अकेले यहां पे बचते हुए नजर आ रहे एंड भाई सोच रहे होंगे कि कौन इनका किल लेके जाएगा एंड वो अभी यहां पे जी साबित हो जाता है। लेकिन जी लवर ये किल जरूर उठा के लेके जाएंगे। सक्षम जरूर यहां पे डाउन हुए थे लेकिन आज 1v2 का मुकाबला, एक तो जोन के बहुत पास होने वाले थे तो 1v3 का कलश निकाल पाना काफी मुश्किल था। लेकिन कहीं ना कहीं टीएमडी के प्लेयर्स ने गाइस इस मैच के पास से इस मैच का तख्ता पूरी तरीके से पलट दिया है एंड इसी के साथ गाइस इस मुकाबले में 6 राउंड लगातार निकाल के मैच पॉइंट पे पहुंच चुकी है टीएमडी। 10वें राउंड में गाइस सीपीआर में पहुंच गए एंड लूफी स्पोर्ट की गाइस अगर बात करें तो भाई ये आखिरी राउंड उनके लिए साबित हो सकता है, तो जो करना है जल्दी यहां पे करना होगा। अगर इस राउंड में वापसी नहीं करते तो देन इट विल बी द लास्ट राउंड ऑफ द मैच एंड जी यहां पे देखते दो प्लेयर जरूर यहां पे डाउन हो गए, देखना होगा कमाल यहां पे क्या होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से टीम डी के प्लेयर्स को खेलते हुए नजर आ रहे काबिले तारीफ जी। फेम गोड अब की बार बड़ी बड़ी कामयाबी शायद इनको मिल सकती है, आसू जरूर यहां पे डाउन हो चुके लेकिन आज 1v3 का मुकाबला, 1v3 का मुकाबला सामने तरफ एक प्लेयर है जी लकी डबल के लिए यहां पे करेंगे लेकिन ये बात भूलने की नहीं है कि टीम डी के प्लेयर्स गाइस अभी भी मैच पॉइंट पे होने वाले। 11वें राउंड में गाइस सैंटोसा में पहुंच चुके हैं लवर जी, अपने पोजीशन पे जाने के लिए तैनात हैं जी। एक बढ़िया शॉट यहां पे जरूर एक प्लेयर को जरूर लगा दिया गया एंड लूफी स्पोर्ट की गाइस अगर मैं बात करूं तो ये यहां पे गलतियां जरूर कर रहे हैं इस राउंड में। अगर छोटी सी गलती हुई, ए मिस बाय एन इंच, मिस बाय ए मेल, तो अगर छोटी सी गलती हुई तो पूरा मैच इनके हाथों से निकल जाएगा, इसलिए संभल कर खेलने की जरूरत होने वाली है भाई। जिस तरीके से लवर की पोजीशन होने वाली है काफी उम्दा पोजीशन जी, लेफ्ट साइड में एक प्लेयर होने वाला, बढ़िया शॉट पे लगा देंगे क्रोनो का इस्तेमाल करके यहां पे जरूर बच जाएंगे। लेकिन कहने की शायद यहां पे जी रिवाइवल यस को संभव हो जाएगा एंड 4v4 का मुकाबला, फेयर स्क्वायर का मुकाबला, मैन टू मैन एडवांटेज दोनों टीमों के पास बराबर की होने वाली है, बराबर का मौका यहां पे दोनों टीमों के पास होने वाला है। टीम डी के प्लेयर्स मैच को यहीं पे खत्म कर सकते हैं एंड यहां पे लूफी स्पोर्ट के प्लेयर्स यहां पे कहीं ना कहीं कमबैक करके इस मुकाबले में बने रह सकते हैं। लेकिन देखना होगा, एक प्लेयर जरूर डाउन हो चुका है, यहां पे कन्वर्ट भी कर दिया जाएगा एंड लवर हैज बीन नॉक्ड बाय द आर्चर्स के द्वारा, यहां पे लवर को जरूर यहां पे डाउन ले लेगा एक प्लेयर, यहां पे जरूर डाउन हो चुके हैं। देखते हैं गाइस यहां पे 2v3 का मुकाबला, 2v3 का मुकाबला एंड सक्षम एक प्लेयर को जरूर यहां पे डाउन लिखेंगे। देखना होगा यहां पे रिवाइवल अगर संभव हो जाता है तो कहने के फेयर एंड स्क्वायर मुकाबला, वरना ये मैच मेरे को लगता है टीम डी प्लेयर्स के खाते में जाने वाला जी। आर्चर काफी पीछे की तरफ होने वाला है, जोन इनको बड़ा गंदा काटने वाला गाइस, जोन बहुत इनको गंदा काटने वाला। सामने तरफ एक प्लेयर इजीली यहां पे डाउन लिखे जाएंगे जी। ये बहुत ही उम्दा गाइस एंडिंग होने वाली थी इस रेड नंबर के शॉट के साथ, यहां पे इस मैच की एंडिंग करेंगे सक्षम एंड सक्षम टीम डी की तरफ से गाइस एमवीपी रहेंगे। आज एक अलग ही फॉर्म में मेरे को चलते हुए नजर आए, 14 किल इस प्लेयर ने अकेले के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अपनी टीम को संभाले रखा, क्या उम्दा तरीके से गाइस इस प्लेयर ने मुकाबला दिखाया। अकेला एक ऐसा प्लेयर था जिस टाइम पे लूफी स्पोर्ट के प्लेयर यहां पे मुकाबला निकाल रहे थे, 3 राउंड निकाल के लेके गए थे, उस टाइम भी यहां पे सक्षम चलते हुए नजर आए, बाकी कोई प्लेयर नहीं चल रहा था। जब से यहां पे साथ देना स्टार्ट किया उसके बाद यहां पे भाई रुकने का नाम गाइस नहीं लिया टीम डी के प्लेयर्स ने, जिस तरीके से मुकाबला दिखाते हुए नजर आए काबिले तारीफ एंड दूसरी तरफ बाकी गाइस टीममेट की बात करें, 6 किल लवर ने किए, यस ने 5 किल किए, रेंचो ने 4 किल किए। लूफी स्पोर्ट की गाइस अगर बात करें काफी उम्दा टीम होने वाली थी, कहीं ना कहीं मुकाबले में दोबारा से कमबैक कर सकते थे, एक बार उम्मीदें जरूर जागी थी, 1 राउंड जरूर यहां पे कमबैक किया था लेकिन कहीं ना कहीं गाइस यहां पे नहीं चल पाए एंड आर्च एमवीपी जरूर है लूफी स्पोर्ट की तरफ से, लेकिन 7-4 पे ये मुकाबला यहीं पे समाप्त होता है। तो गाइस आपको मुकाबला कैसा लगा जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर गाइस।